आर आर एस परोदा जी, आदरणीय रमेश चंद्र जी, डॉक्टर हिमांशु पाठक जी, आर सी अग्रवाल जी, अनिल कुमार सिंह जी, अशोक कुमार सिंह जी, आज जिनको सम्मानित करके मैं स्वयं सम्मानित हुआ हूं, ऐसे यहां बैठे हुए हमारे सभी ऐसे वरिष्ठ जिनका योगदान अतुलनीय है कृषि के क्षेत्र में, मैं उनको प्रणाम भी करता हूं। ऐसे हमारे सभी वरिष्ठगण, प्रिय बहनों और भाइयों, आज के कार्यक्रम में मैं सचमुच में अतिथि हूं। गेस्ट मतलब अतिथि हिंदी में, और अतिथि वो होता है जिसके आने की तिथि ज्ञात नहीं होती, जो बिना बुलाए अपने आप चौबक जाए वो अतिथि। मुझे तो टरकाया जा रहा था डिनर में क्या आप डिनर में आइए, मैंने कहा मैं डिनर में क्यों आऊं, मैं तो मेन फंक्शन में आऊंगा। क्योंकि मैं बेचैन, कृषि के क्षेत्र को आगे बढ़ाना और किसान का कल्याण करना है प्रधानमंत्री जी का विजन, हमारा मिशन है। इसलिए जिस दिन से कृषि मंत्री बना हूं, दिनों रात सोच रहा हूं बेहतर और कैसे करें। और मुझे गुमान नहीं है, मुझे अहंकार भी नहीं है कि सब कुछ मैं ही जानता हूं या मेरे ऑफिस में बैठने वाले आईएएस अफसर ही जानते हैं। मैं ज्ञान का पिपासु हूं, दुनिया में जहां से बेहतर मिले वो मैं लेना चाहता हूं कृषि और किसान कल्याण के लिए, और यहां से बेहतर मुझे क्या मिल सकता और कहां से मिल सकता है। उसके आने के बाद मैंने कहा कि नहीं, मुझे एक्सपर्ट से बात करना है, तो रमेश जी से मैंने भेंट की, कल गुलाटी जी से मैंने भेंट की, मैं सूची बनवा रहा था कि और बनाओ, पाठक जी को भी पता है को और किस किस से मिलूं। मैं आप सबसे बात करना चाहता हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री को इस सब विषयों का मुख्यमंत्री नहीं, कृषि मंत्री, मैं चार बार मुख्यमंत्री अब 20-21 साल रहा हूं तो कुछ दिन तो लगेंगे भूलने में, वहां भी मुझे यह गुमान नहीं था कि हम ही सब जानते हैं। और इसलिए मैंने तय किया कि कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान हो, शिक्षा हो, उत्पादन हो, जिनके कारण बेहतर प्रगति हुई है, जिनकी ज्ञान की गंगा ने एक नया इतिहास रखा है, उसके भगीरथ यहां इकट्ठे होने वाले, तो मैं इनके इस भगीरथी में आज स्नान करूंगा, इसलिए आपके बीच आया हूं। मित्रों, इस समय हमारा देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुझे स्वामी विवेकानंद के कुछ शब्द याद आते हैं, मैं बचपन से उनको पढ़ता रहा हूं और उनको अपनी प्रेरणा मानता हूं। उन्होंने एक बार कहा था, सुदीर्घ रजनी समाप्त हुई जान पड़ती है, महानिशा का अंत निकट है, जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि भारत माता एक बार फिर से अंगड़ाई लेके खड़ी हो रही है और विश्व गुरु के पद पर आसीन हो रही है। ये 100 साल पहले कहा था स्वामी विवेकानंद ने। जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उनका नाम भी था नरेंद्र, आज मुझे दूसरे नरेंद्र के नेतृत्व में सच होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। देखो, अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र भारत, हम सब जानते हैं, जब दुनिया के विकसित राष्ट्रों में सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे यहां वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। अद्भुत देश है सचमुच में, और मुझे भारतवासी होने का गर्व है, अभिमान है, क्योंकि यह धरती है जिसने आज नहीं हजारों साल पहले कहा, आत्मवत सर्वभूतेषु,
सबको अपने जैसा मानो, एक ही चेतना सब में है। अब उसको दूसरे शब्दों में कहते हैं सिया राम में सब जग जानी, एक ही चेतना सब में, दूसरा कौन है। जो हमारा अद्वैत वेदांत जिसको कहते हैं वो मानता है एक ही तो है, मनुष्य मात्र एक है। इसलिए हमने कहा यम निजम परावृत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम, सारी दुनिया ही एक परिवार है जी। और केवल भारत ने इतना ही नहीं कहा, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, यह भी शायद दुनिया में सबसे पहले हमने कहा है। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। मैं सच कहता हूं, मेरा अपना भरोसा है कि भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन अगर कोई कराएगा तो भारत कराएगा। लेकिन भारत के संपूर्ण कल्याण के लिए कृषि जरूरी है। और इसलिए मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बने, हमारा राज्य तो बीमारू राज्य था। 2005 में मुझे लगा कि सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए तेरी, तो एक ही बात लगी कि कृषि और किसान। रमेश जी जानते हैं, कई बार आए हैं मध्य प्रदेश, और पूरा फोकस, बाकी चीजें सामान्य तौर तरीके से चली, लेकिन पूरा फोकस मैंने एग्रीकल्चर पर किया, इरिगेशन पर किया। 7.5 लाख हेक्टर की इरिगेशन बढ़ा के आज हमारी 50 लाख हेक्टर क्रॉस कर चुकी है, और 1 करोड़ हेक्टर तक ले जाऊंगा। उस पर काम अभी जारी है, कई योजना में तेजी से काम पूरा होने वाला है, कई पे चल रहा है, कई पे होने वाला है। और उसी का परिणाम था कि जिस मध्य प्रदेश में 4-5 में अनाज का उत्पादन फूड ग्रेन केवल होता था 100 लाख मीट्रिक टन, 2 साल पहले के आंकड़े बता रहा हूं 619 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया। और उसके कारण परिवर्तन कितना बड़ा होता है, केवल किसान की जिंदगी नहीं बदलती, किसान के पास पैसा आता है तो व्यापारी की दुकान चलती है, 2-व्हीलर 4-व्हीलर फ्रिज टीवी सब उठने लगती है, दुकान का माल उठता है तो इंडस्ट्री के चक्के चलते हैं, और इंडस्ट्री के चक्के चलते हैं तो पूंजी का निर्माण होता है, और पूंजी का निर्माण होता है तो फिर नया निवेश आता है। एक अर्थव्यवस्था का चक्र है जो भारत में तो कृषि ही अभी चलाएगी कई वर्षों तक, क्योंकि आज भी हमारी 50% पॉपुलेशन कृषि पर ही निर्भर करती है। एकदम क्रांतिकारी परिवर्तन, मेरे पास पैसा आया में कोई अंतर ही नहीं पड़ा। इसलिए कृषि की महत्ता को भारत में हर कोई जानता है। अब उस क्षेत्र में मध्य प्रदेश एक प्रदेश था, पूरे देश में काम करना है, प्रधानमंत्री जी के असाधारण नेतृत्व में मुझे करना है, तो नया क्या क्या किया जाए। मैं सचमुच में बेचैन हूं, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं, दिन और रात काम करूंगा, जी जान एक करूंगा, लेकिन मैं नहीं करूंगा, हम करेंगे, इसलिए आपके पास आया हूं, मिलके हम करें। मुझे जो साधारण रोड मैप लगता है, क्योंकि किसान का भी कल्याण करना है, उत्पादन बढ़ाओ, उसके लिए आधुनिक तकनीक आप काम कर ही रहे हैं, क्योंकि मुझे गर्व है ये कहते हुए कि गेहूं में तो 45 मिलियन टन उत्पादन केवल इसलिए हो रहा है कि हमने रिसर्च करके जो नए बीज बनाए हैं उनके कारण हो रहा है। ये बड़ी उपलब्धि है, मैं बधाई देता हूं आपको। 45,000 करोड़ का बासमती राइस हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी आपके कारण ही कर रहे हैं, मैं इसके लिए बधाई देता हूं। स्वामीनाथन जी हमारे गर्व है, मैं उनको प्रणाम करता हूं। आज जिन विभूतियों की चर्चा हुई है, 4 खाद्य पुरस्कार, 15 से ज्यादा पद्म अवार्डी, मैं दोहराना नहीं चाहता, यहां की उपलब्धियां असाधारण, सुधार की गुंजाइश सब करेंगे, इसलिए आपका रोल बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला। आपका मतलब केवल जो यहां काम कर रहे नहीं है,
जो अलग अलग संस्थानों में विभिन्न पद पर बैठे हैं, चाहे देश में बैठे हैं चाहे विदेश में बैठे हैं, उनको भी मैं छोड़ूंगा नहीं, उनको भी पकड़ूंगा और मैं कहूंगा कि साथ आओ, हमको मिलकर साथ काम करना है, कई विषयों पर करना है। अब मेरी चिंता है, आज मैं शेयर करना चाहता हूं आपसे, हमारे 86% किसान स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है, 1.5 एकड़, 2 एकड़, 2.5 एकड़, 1 हेक्टर। अब हमको खेती का मॉडल ऐसा बनाना पड़ेगा कि वो 1 हेक्टर के चक में उसकी खेती में कैसे अपनी आजीविका ठीक से चला सके। और इसलिए मैं कहता हूं उत्पादन बढ़ाना है, उत्पादन की लागत घटाना है, तीसरी चीज उत्पादन का ठीक दाम देना है, घाटे की नहीं फायदे की खेती, उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, प्रधानमंत्री जी प्रतिबद्ध हैं। प्राकृतिक आपदा में या तो नुकसान हो ही नहीं, ऐसी वैरायटी ही जाए, और हो जाए तो उसके नुकसान की भरपाई करना है, कई योजनाएं हैं उसके लिए। लेकिन कृषि का विविधीकरण ये चुनौती है हमारे सामने। हम जानते हैं कि चावल जैसी फसलें हमारी ऐसी है कि हमारे भंडार भरे पड़े हैं, और दालें हम आयात कर रहे हैं, ऑयल सीड आयात कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। कल ही मैंने राज्यों के कृषि मंत्रियों से बात की कि हम क्यों दलहन में आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। लेकिन एक 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 समस्या आती है कि हमारा तुअर हो, उड़द हो, मूंग हो, उत्पादन कितना कम है, पर हेक्टर यील्ड बहुत कम है, और किसान क्या लगाएगा? व्यवहारिक रूप से जिसमें ज्यादा फायदा होगा वो फसल लगाएगा ना, लगाना भी चाहिए। तो इनको फायदे की फसल हम कैसे बनाए, इसका उत्पादन कैसे बढ़े? अब दाल में पल्सेस में चैलेंज है, शायद साइंटिस्ट सोचे, आप सोचे, वैज्ञानिक सोचे। गेहूं का चावल का बढ़ सकता है तो इसमें और क्या करने की जरूरत है, क्योंकि पर हेक्टर 9 क्विंटल के आसपास हमारा उत्पादन आता है दलहन में, पल्सेस में। हम पाम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं लेकिन सोयाबीन की उत्पादकता नहीं बढ़ा पा रहे, और सोयाबीन का क्षेत्र धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है चावल के क्षेत्र में। मध्य प्रदेश में भी सोया स्टेट मध्य प्रदेश था, लेकिन धीरे धीरे सोयाबीन छोड़ के दूसरी फसलों की तरफ किसान जा रहे हैं। तो हम दलहन का और तिलहन का उत्पादन कैसे बढ़े, कौन सी नई वेराइटीज विकसित करें, रेनफेड इलाके में उत्पादन कैसे बढ़ता, मिलिट्स की बात होती है, प्रधानमंत्री जी का ड्रीम है श्रीअन्न, मोटा अनाज। लेकिन मोटा अनाज जब तक फायदा नहीं देगी उसकी खेती, किसान कितना लगाएगा, क्यों लगाएगा? कई जगह वो इसलिए उगाता है कि पानी नहीं है और कुछ उग नहीं सकता, तो कोदो कुटकी ज्वार उगाओ। लेकिन हमको ऐसी वैरायटी विकसित करनी पड़ेगी जिससे उनका भी उत्पादन बढ़े। देखो सीधी बात यह है कि जब तक कोई भी मनुष्य हो, बिजनेस व्यापार करने वाला हो, हमारा किसान भाई हो, वो भी देखेगा ना कि प्रॉफिट काय में ज्यादा है, तो स्वाभाविक रूप से जिसमें ज्यादा होगा उस चीज पे जाएगा। कृषि का विविधीकरण एक चुनौती है, डाइवर्सिफिकेशन वो आसानी से नहीं होगा, उसके लिए वैसी वैरायटी हमको विकसित करने के प्रयत्न करने पड़ेंगे। केवल सब्सिडी देके नहीं चल सकता मामला। फिर एक चुनौती और है, और वो है धरती के स्वास्थ्य को, मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखना। केमिकल फर्टिलाइजर का अनियंत्रित उपयोग धरती के स्वास्थ्य को बिगाड़ रहा है। हम इतने स्वार्थी तो नहीं हो सकते कि हम आज की पीढ़ी की चिंता करें, आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा? अरे ऐसी धरती तो छोड़ के जाए कि आने वाली पीढ़ियां भी जिंदा रह पाए। और इसलिए क्या प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, या मिट्टी का स्वास्थ्य कैसे संतुलित रहे, बना रहे,
अनेकों चुनौतियां ऐसी हमारे सामने हैं जो मेरे दिमाग में घूम रही है। किसान की संतुष्टि हमारा सबसे प्राथमिक ध्येय है। इतनी बड़ी आबादी खेती पर निर्भर है, ये बात सही है कि खेती से जनसंख्या का बोझ कम होना चाहिए, लेकिन वो कोई दो दिन में नहीं हो सकता, उसमें समय लगेगा। तब तक वो सर्वाइव कैसे करे, इस पर निरंतर काम करने की जरूरत है। मेरे प्रिय मित्रों, मैं बड़ी आशा से आपके बीच आया हूं। यहां आना और मेरा भाषण केवल कर्मकांड नहीं है, कृषि के परिदृश्य को पूरी तरह से बदल देने की मेरी जिद, जुनून और जज्बा है, और आपके साथ मिलकर मैं करना चाहता हूं। मैं किसान और विज्ञान को जोड़ना चाहता हूं। हम प्रयोग करते हैं, किसान को बहुत बाद में पता चलता है। मैं खेत में बैठ के किसान से भी बात करूंगा, और यहां अगर मैं ICR में आकर रह रहा हूं तो ऐसे ही नहीं पाठक जी, मैं होटल में भी रुक सकता था जब तक घर नहीं मिलता, लेकिन मैंने रहने के लिए भी चुना तो यहां का गेस्ट हाउस चुना, क्योंकि मैं यहां के निकट संपर्क में रहना चाहता हूं। इसके पीछे सोचिए, समझने के लिए, और इसलिए मैं आज का मौका चूकना नहीं चाहता। मैंने अपने कार्यक्रम बदले हैं आज आपके बीच आने के लिए। मुझे पता चला कि इतने लोग आने वाले हैं, तो मैंने कहा ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं मिलूंगा, और आज आपको निमंत्रण दे रहा हूं। कई स्तर पर हम काम करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी की असाधारण व्यक्ति है। मुझे लगता है कि जितने हर्डल्स हैं जिनका जिक्र रमेश जी कर रहे थे, प्रतिभा पलायन हम उपयोग ना कर पाए, धीरे धीरे हम सब दूर करने का प्रयत्न करेंगे, और करेंगे तो होगा। मैं किसी काम को असंभव नहीं मानता। मनुष्य केवल 3.5 हाथ का हाड़ मास का पुतला नहीं है, वो ईश्वर का अंश है, अमृत का पुत्र है, अमर आनंद का भागी और अनंत शक्तियों का भंडार है। वो चाहे तो ब्रह्मांड पर भी कमांड कर सकता है। करने की जरूरत, इच्छा शक्ति चाहिए। इसलिए कल मैंने कृषि मंत्रियों से बात की, अभी मैंने आमंत्रित किया सब कृषि मंत्रियों को एक ही अपनी टीम के साथ आओ। अभी पाठक जी उस दिन आए तो ये इस चक्कर में होंगे कि आधा घंटे में ब्रीफिंग लेके ये छोड़ देगा। मैंने कहा बैठो, ऐसे जाने नहीं दूंगा। क्यों, आमतौर पर होता है मंत्री जी को ब्रीफिंग देनी, तो मंत्री भी कितनी देर बैठेंगे, थोड़ी बहुत देर में निकल लेंगे, लेकिन मैं ना निकलूंगा ना निकलने दूंगा। खेत को, किसान को जोड़ना है विज्ञान से, वैज्ञानिक से, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। कृषि विज्ञान के अंदर भी बहुत उपयोगी, मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन उससे किसान जुड़े ही नहीं है। कल मैंने कहा कृषि मंत्रियों से कि भैया MLA MP किसान जोड़ो कृषि विज्ञान के अंदर से, और ऐसे ही मैं कृषि मंत्रियों को रमेश जी अलग अलग बुला रहा हूं राज्यों के, उनकी पूरी टीम के साथ, उनके साथ डिस्कशन करूंगा कितने गैप्स कहां है, उनको कैसे भरा जा सकता है। इसलिए खेत किसान से लेके वैज्ञानिक तक अगर जुड़ जाए और ज्ञान सीधे किसान के खेत में पहुंच जाए तो चमत्कार किया जा सकता है, और हम चमत्कार करेंगे। इसके लिए आप सबका सहयोग चाहिए। खुले मन से मैं कह रहा हूं, मेरी और आपकी दूरी, आपके पास इनोवेटिव आइडियाज होंगे, और नहीं तो आप और भी ले लो कहीं, मुझे तो दे दो, मुझे चाहिए। आपके मेरे बीच एक फोन की दूरी है, एक फोन कॉल की दूरी है। मैं धीरे धीरे
अलग अलग भी मिलूंगा, मिलने में समय लगता है, इसलिए आपके सुझाव भी आप मुझे भेज सकते हैं, फिर हम चर्चा कर सकते हैं। फिलहाल पाठक जी आप कोऑर्डिनेट करें, हमारे जितने ये बड़े लोग हैं जो सोचते हैं, समझते हैं, रिसर्च करते हैं, अब मिलके हम कोई ऐसा रोड मैप बना लें जिस पर चलकर न केवल भारतीय कृषि और किसान का कल्याण हो सके, बल्कि भारत को हम फूड बास्केट बना दें दुनिया का, दुनिया को अन्न खिलाएं, एक्सपोर्ट करें। और आपका साथ मिला भी असंभव नहीं है, इसी भाव से आपके बीच आया। आपकी अब तक की उपलब्धियों के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और परोदा जी, साल में एक बार मिलते हैं आप कि नहीं मिलते अभी? नहीं 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 नहीं, ये जो आपका कार्यक्रम वार्षिक है या? अच्छा, अभी शुरू किया है तो हर साल बुलाइए सर। हाँ, तो साल में एक बार कम से कम ऐसी गंगा इकट्ठी हो ज्ञान की, और हम भी आके स्नान कर लिया करें उसमें, अलग अलग भी हम सब मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय आपके विचारों के लिए। आपके विचारों ने इस सम्मेलन के जितने भी उद्देश्य थे और उनका मार्ग प्रशस्त किया और हमारे प्रयासों को नई दिशा दी। आपके विचारों ने हम सब में एक अलग आत्मविश्वास और ऊर्जा का संचार किया। भविष्य में भी आपका सानिध्य हमें ऐसे ही मिलता रहेगा और आप फिर संस्थान में पधारेंगे, ऐसा हम सभी को विश्वास है। हिमांशु बाटक सर हैज़ बीन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीचर एंड आई टेक ऑल प्राइड इन सेइंग माय ओन टीचर। अब ये मंत्री महोदय ने कितनी देर ब्रीफिंग ली नहीं पता, लेकिन एक या दो ही क्लास में आज खेती किसानी से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण विषय थे आपने अपने वक्तव्य में ज़रूर बताए। तो ये छात्र की विशेषता है या अध्यापक की, ये हमें और विचार करना पड़ेगा। और सर यही कहेंगे आपको कि सर इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, तो दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। Thank you very much, sir, for coming over here and gracing the occasion as the chief guest. And as we are now at the verge of ending the program, I request Dr. Anil Kumar Singh, sir, former Deputy Director General and Secretary IRI Alumni Association, to propose word of thanks for today's function as a successful completion. Thank you.